फरीदाबाद के पिरथला विधानसभा में विकास कार्यों का राग अलापने वाले विधायक टेकचंद शर्मा के रास्तों ने उनकी पोल खोलकर रख दी है। गांव फतेहपुर बिल्लौद से मानकौल के लिए जाने वाला रास्ता वर्षों से टूटा पड़ा हुआ है। इस रास्ते से 15 से 20 गांव लगते हैं और रास्ते में 3 से 4 फीट के गड्ढे हो गए हैं, मगर विधायक साहब ने 5 सालों से कोई सुध तक नहीं ली है। लगता है प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक टेकचंद शर्मा पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टेकचंद शर्मा ने सिर्फ पंडितों के गांव में ही विकास कार्य करवाया है। फतेहपुर रोड है, सारे नेता इसी से निकलते हैं, लेकिन कोई इसमें ध्यान नहीं देता कि क्या करना है। उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, बस इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो विधायक भी इधर से ही निकलते हैं, जब उनकी आंखों पर पट्टी बंध रही है तो वो क्या करेंगे? कहते हैं कि करोड़ों का विकास करवा दिया। इस विकास को दिखाएं कहां करवाया है, कि सारे विकास इसी की तरह करवाए उन्होंने। सारी जनता के आगे कितने विकास करवाए हैं, अपने गाँव में करवा दिया होगा। जीटी रोड पर रहते हैं वो, उधर तो कोई गड्ढे है नहीं, उसे दिखा देते हैं जीटी रोड को कि हमने विकास। अरे यहाँ के विकास दिखाओ ना, कहाँ करवाया विकास? जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते की उन्हें नहीं पता। वोट उसे मिलेगी जो तरक्की करेगा। रोड पे आओ, कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो विकास करेगा वोट उसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। वोट नील कर देंगे, लेकिन वोट उसे देंगे जो तरक्की करेगा। हम पहलादपुर तक जाने के लिए कम से कम 15 मिनट लग जाए, 5 किलोमीटर का रास्ता है, जबकि 5 मिनट का रास्ता ना इस पर नुकसान ही है जी। दूसरे गेट के ऊपर गाड़ी चला ही ना, सब रोड पे लगा मांद खोलते यहाँ तक, दूसरे तीसरे गेट ना पकड़ो गाड़ी ने। विधायक साहब के तो बात बेकार है, टेकचंद शर्मा के, उनने तो कहीं काम ही ना करो सिवाय पंडितन के काम के। आप यहाँ पनेरा में चले जाओ, हीरापुर में इनमें चले जाओ, इनमें काम स्टेडियम बन रही, स्टेडियम में लाइट भी, हमारे स्टेडियम में कहाँ कच भी ना, कहीं से गांव में है हमारे गांव में स्टेडियम इन इलाके के में। कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है बहुत ज़्यादा जी। भाजी अब की बार तो इनकी बरादरी इन वोट ना देगी। अच्छा, हाँ जी। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।